बिस्मिल्लाह अस्सलाम एवरीवन वेलकम टू सीमा काशिफ व्लॉग्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं बहुत 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 खैरियत से होंगे आज की वीडियो का जैसे आपने टॉपिक देख ही लिया है कि हमने एक वीडियो बनाई थी भाई के आ, लीविंग आफ्टर 15 इयर्स और उसके बाद हम लीव नहीं कर पाए अभी तक और उसकी क्या वजूहत हैं क्या मसले हैं बहुत सारे कमेंट्स आए ये देखिए आप ये टपक रहे हैं ऊपर से सीमा तुम भी देखो ये टपक रहे ये टपक रहे कमेंट्स और आप यकीन करें कि लोग इतना क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि हम अभी तक क्यों नहीं गए तो भाई क्यों नहीं गए क्या वजूहत हैं क्या मसले हैं वो सब डिटेल में हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में प्लीज एंड तक देखिएगा और वन इंड फॉर ऑल इस टॉपिक को हम लोग हमेशा के लिए खत्म कर देंगे होपफुली 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 जी तो पहला पॉइंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी की बुनियाद पे उसी वजह से हम लोग यहाँ पे अभी तक कैनेडा में है वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम कैनेडा में आए थे तो हम तीन लोग थे अभी माशा हमारी पांच की फैमिली है और बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब उनकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का तकरीबन समझ लें कि एक साल ही बचाए तो मसला ये हुआ था कि हमने उस वीडियो बनाने के बाद जब अपने बच्चों से डिस्कशन करी थी तो ये पता चला था कि भाई अब आप लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है अब हमारी बारी है तो आप लोगों को मूव करना है क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन का निजाम है और बहुत सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए वो इसीलिए आ रहे हैं कि कैनेडा में एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है तो मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने मुझे यही समझाया है कि भाई हमें अपनी एजुकेशन पूरी करने दें अगर आप लोगों को मूव आउट करना है तो आप लोग कर लें जैसे टिपिकल यहाँ पे बच्चे बोलते तो हम तो भाई देसी पेरेंट्स हैं हम तो वहीं रहेंगे जहां हमारे बच्चे रहेंगे तो अभी हम लोग वेट करेंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह जब तक इनकी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी खत्म ना हो जाए अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे अपने बच्चों की बात सुननी पड़ेगी और चाहिए भी हमें सुनना उनकी बात को तो ये था मेन रीजन हमारे ना जाने जा तो जी यही एक मेन रीजन है हमारा और दूसरा यहाँ पर स्कूलिंग जो है वो फ्री है टिल ट्वेल्व और ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पे करने पड़ते हैं लेकिन आप ये सोचें कि ऑल ओवर द कंट्रीज बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ें क्योंकि यहाँ का जो डिप्लोमा है यहाँ की जो सर्टिफिकेशन है यूनिवर्सिटीज की वो बहुत मानी जाती है उसकी बहुत वैल्यू है जी सेकेंड रीजन जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी हाँ यहाँ पर जो नो no पॉल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बेहतरीन है यहाँ पर दस हजार गाड़ियां चलती हैं बसेस ट्रक्स हर चीज यहाँ पे रवानी से चलती है धुआं जीरो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा यहाँ चल रहा होता है उसमें भी एयर पोल्यूटेड नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सड़कें बड़ी स्मूथ बनी हुई हैं अगर कोई स्पीड बम्प आता है हम है तो उसका साइन वहाँ लगा होता है कि वो पहले से बता देते हैं तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का है जी तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है सेफ्टी का और सेफ्टी में सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे जो वोमेन और किड्स है माशाला से जब भी वो लोग मेरे अपने बच्चे जो है बाहर जाते हैं वाइफ बाहर जाती है तो आई फील वेरी सिक्योर की यार ये लोग जा रहे हैं तो अलहमद ला सिक्योर ही रहेंगे सेफ रहेंगे देखें हर कंट्री में हर जगह पे कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है।, है।, है, 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 है बड़े हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल है बस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं अपने चेयर पे तो यार आप यकीन करें कि वो बस को ऐसे नीचे करेगा रैम्प बनेगी ऊपर जाए आराम से तो ये किस कंट्रीज में होता है तो ये हम सारे को देख के ही हमने साइड करा कि विच कंट्री वी शुड स्टे तो हमने जो यहाँ पे अभी सोचा है रुकने का वो उसमें प्रोज बहुत बहुत है? positive points, positive बहुत हैं कॉन्स कम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स साइंस ज्यादा रुकने नेक्स्ट जो पॉइंट है है वो बेसिक एटिकेट्स मतलब के आपके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वहाँ पे अगर साइन लगा होगा कि नो ट्रस्ट पासिंग विच मीनस के वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता वहाँ पे बड़े खूबसूरत प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं वो आपने कोई फ्लावर तोड़ नहीं सकता जहाँ पर लोग जो है इस चीज को फॉलो करते हैं इस चीज की एक वैल्यू देते हैं कि प्राइवेट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां अगर लिखा है कि आपने अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी तो आपने गाड़ी पार्क नहीं करनी तो लोग इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं मनमानी नहीं करते हर तरह से वो इस चीज को फॉलो करते हैं तो जी नेक्स्ट पॉइंटर है इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है ये और उसमें सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है बहुत इजी करा हुआ है अपना प्रोसेस लोगों को यहाँ पे बुलाने का क्योंकि ये कंट्री बनी ही इमिग्रेंट से है तो अगर हम भी यहाँ रह रहे हैं और आप भी यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल है हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ एटी जो है मेरे ख्याल में इमिग्रेंट बच्चे ही आते हैं और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेहनत करके अपनी चीजों को डेवलप कर रहे हैं जो इमिग्रेंट यहाँ पे आए थे अपनी एक शनाख्त बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दूसरा यहाँ पे ये कि जो गवर्नमेंट ने वीजा प्रोसेस आसान करे हुए हैं जो वेबसाइट उसने डाली हुई है वेबसाइट बनाई हुई है और उस वेबसाइट में सारी डिटेल होती है प्रोसेसिंग की वो बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जो यहाँ कैनेडा में आना चाहते हैं तो उस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिसको भी भाई पढ़ना है देखना है वो देख ले कि किस वीजा पे वो अप्लाई कर सकते हैं के लिए और आ सकते हैं और इस जबरदस्त कंट्री में रहकर अपना जो है फ्यूचर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना सकते हैं क्योंकि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में हम आए ही इसीलिए इस हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है यहाँ पे और जो कुछ भी मैंने और मेरी वाइफ ने मेहनत करके यहाँ पे बनाया है वी कैन ओनली ड्रीम टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन पाकिस्तान सो यहाँ पे रहने का भाई एक ये भी मसला है और इतफाक से जो आप ये वीडियो 15 इयर्स अगो मैंने जो बनाई थी 15 पंद्रह साल के बाद हम ये छोड़ के जा रहे हैं उस वक्त मैंने यही स्वेटर पहना हुआ था तो आज भी मैं यही स्वेटर पहन के बैठा हूँ ये एक इतफाक है ये मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा मैं ये भी शेयर कर दू जी तो नेक्स्ट पॉइंटर मैं आपके साथ शेयर करूंगी हॉलीडेज इन कैनडा जी हाँ हॉलीडेज आप अपने बजट में रहते हुए बहुत ही अच्छा सा बहुत ही बढ़िया किस्म का हॉलीडे प्लान कर सकते हैं इवन दो यहाँ पर जो ऑफिसर्स की तरफ से भी फोर्स किया जाता है उनके एम्प्लॉयज को कि जी आप अपनी छुट्टियाँ लें और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें अच्छा सा क्वालिटी टाइम ताकि आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है तो इस, इस को लेके भी वो एक मजे की जी पांच बजे के बाद आपने काम करना है अगर बाई चांस आपने रुक, रुकना हो या वो रोक रहे हो तो उसके भी एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिलते हैं अगला जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी का मैं जब यहाँ पे आया था कनाडा में नया नया तो मैं

सकते हैं जो बेसिक नीड्स हमें नहीं अवेलेबल थी हमारी कंट्रीज में वो यहाँ आपको जरूर मिल जाएंगी ठीक है 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 वो वो किस्तों पे होता है, ये है, वो है, भाई मिल मिल तो तो रहा है ना आपको सर की जगह तो मिल रही है और गाड़ी चलाने को मिल रही है और बहुत सारे और है, कोई बिजनेस करना है आपको लोन इजिली मिल जाते हैं बहुत सारी और बेनिफिट चीजें होती है बट इक्वेलिटी मेन थिंग यहाँ पे जो है हर इंसान को बराबर समझा जाता है जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है बेसिकली वो यहाँ पे गोरे जो हैं उस फॉलो करते हैं हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन करें मैं मैं जब यहां ने आया था था तो तो मैकेनिक का, का काम कर रहा था। तो मेरे बैक होम से कई सारे फ्रेंड्स और मेरे अपने रिलेटिव ने मुझे बोला अरे यार तुम ये काम कर रहे हो अरे यार वही काम कर रहे हो आज वही रेलेटिव है जो हर वक्त बस थोड़ी हमारी हेल्प कर दे थोड़ी हमारी हेल्प कर दे भाई मैंने तो वही काम करके पैसा कमाया है जो आपको शायद पसंद नहीं था तो व्हाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो या ब्लैक कॉलर हो पैसा इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू मेक दैट पैसा वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने मैकेनिक का काम करके अपने बेटे को यूनिवर्सिटी तक इंशाला पहुंचा दिया है अब आगे उसकी नस्ल जो है वो बेटर होनी चाहिए उसको इनशाला उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी सो so जी नेक्स्ट पॉइंटर है गवर्नमेंट सपोर्ट जो कि यहाँ पर हर एक को मिलती है स्पेशली यहाँ पे बच्चों के पैसे आते हैं एवरी मंथ जो कि आप उसको स्पेंड कर सकते हैं उससे आप सब कर सकते हैं अपनी ग्रोसरी से अपनी दूसरे बिल से बच्चों की जरूरत जो भी होती है बच्चों के लिए वो सारा कुछ आप उससे मैनेज कर सकते हैं तो ये गवर्नमेंट हेल्प होती है किड्स के लिए और जब गवर्नमेंट हेल्प की बात करूंगी तो यहाँ पर जो मेटर्निटी लीव पे आती हैं खातन तो मैं खातान की बात नहीं करूंगी पेरेंट्स की बात करूंगी क्योंकि अगर जो प्रेगनेंट औरतें होती हैं वो ले सकती हैं लीव छुट्टियों में जाती हैं तो उनको भी गवर्नमेंट पे मिलती है और वो अप टू 18 मंथ्स स्टे कर सकती हैं घर में अपनी बेबी के साथ और उनको भी पूरी पूरी सपोर्ट मिलती है और अगर मॉम को जाना है काम पे तो डैड इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ मदर डेड भी वो छुट्टी ले सकता है तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है तीसरा यहाँ पर जो यहाँ पे ले ऑफ वगैरह हो जाते हैं या फायर हो जाते हैं लोग लेकिन उनको भी यहाँ पर इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहा जाता है उसको बेसिकली यहाँ पे ई आई तो वो भी मिलता है लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो काम कर सकते हैं पहले कर चुके हुए हों काम तो उनको ही यही पैसे मिलते हैं यहाँ पर बहुत तरह की सपोर्ट लोगों को प्रोवाइड है जी नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है वो है जी ट्रैफिक ट्रैफिक में यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे जो है लॉ इनफोर्स है इस वजह से हमें लॉ को फॉलो भी करना पड़ता है यानी कि अगर आपने गलत पार्किंग करी तो आपको लाजमी टिकट मिलेगा अगर फोर्टी का जोन है और आप सिक्सटी पे चला रहे हैं आपको लाजमी टिकट मिलेगा हाईवे पे अगर हंड्रेड वो है आपका स्पीड लिमिट है उससे ऊपर चला रहे हैं आपको टिकट्स मिलेंगे देखेंगे ये टिकट यहाँ पे आपको सही करने के लिए आपको प्रिंसिपल करने के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाया बच्चे को आपने जो है 12 साल की उम्र से पहले तक आपने उसको बूस्टर सीट पे नहीं बिठा पाकिस्तान में और इंडिया में मुझे नहीं पता क्या सिलसिले हैं, बट वो गोद में बिठा के आगे चला रहे होते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है और ट्रैफिक के रूल्स को आपको फॉलो करना ही करना है एक ही लाइन में चलना है भाई बगैर सिग्नल के लेन्स क्रॉस करेंगे आपकी कंप्लेन भी हो सकती है नेक्स्ट पॉइंटर है तो जी यहाँ पर आ, फ्री मेडिकल है नो डाउट यहाँ पर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो या सर्जरीज वगैरह वो सब कुछ फ्री है हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लॉन्ग वेट होता है बट यहाँ पर तमाम सर्जरीज और तमाम मेडिकल जो है वो फ्री है आ, जो सिर्फ मेडिसिन होती हैं वो अंडर 25 इयर्स के जो लोग होते हैं उनकी कुछ हद तक फ्री हैं बाकी सबको पे करना पड़ता है बट एज आई सेट के सर्जरीज वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर फ्री क्लीनिंग इन कैनेडा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है की यहाँ पे क्योंकि ठंडा मुल्के भाई यहाँ पे स्नो ज्यादा पड़ती है तो गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी अगर स्नो स्टॉर्म आने वाला है तो अपने ट्रक्स को सॉल्ट से भर लेती है ट्रक्स आते हैं रोड्स क्लीन होते हैं आपके आपकी कोई छुट्टी नहीं हो सकती है क्योंकि आप ये नहीं फोन करके बोल सकते कि भाई स्टॉर्म की वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रोड्स वगैरह वो लोग क्लीन करवा लेते हैं यहाँ पे डे टू डे हर जगह पे मैंने जैसे पहले बताया कि भाई गार्बेज पिकअप का भी सिलसिला है यहाँ पे रोडो पे आप गार्बेज नहीं फेंक सकते लिटरिंग का जो है फाइव डॉलर तक का भी फाइन होता है लिटरिंग क्या होती है

क्लीन करती है अच्छा ये ग्रास जो आप देख रहे हैं नीचे ये भी यहाँ पे आके गवर्नमेंट के लोग ही पूरी पूरी ग्रास काटते हैं आके और यहाँ पे सॉकर स्टेडियम है क्रिकेट खेलने के लिए है रनिंग का अलग है मतलब इट्स इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग सिस्टम और बहुत सारे प्रोज हैं जिसकी वजह से ही हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम यहीं रुकें फिर देखेंगे यार जब और थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो फिर देखेंगे अच्छा जी नेक्स्ट uh, टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे जो है ना बेसिकली अगर आप मतलब है कि टोरंटो से मिस सागा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ में बहुत सारे आ, लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं बिल्कुल फ्रीडम है यहाँ पे प्रोटेस्ट की लेकिन एक लिमिट में रह के आप वो हर काम करते हैं बिल्कुल हल्ला गुल्ला और हर चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर कोई करेगा तो आपको प्रॉब्लम भी है यहाँ पे जो है सारे रिलीजन को जो जो रिलीजन आप फॉलो करते हैं कोई बुद्धिज्म है कोई सिखिज्म है हिंदू है मुसलमान है उनके अपने अपने मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब बने हुए हैं और सबको सारी परमिशन है कि भाई किसी भी टाइम आप जाइए

वो मस्जिद सात आठ साल से बन रही है अभी तक बनी नहीं है क्योंकि उसका चंदा मुसलमान इकट्ठा कर रहे हैं आपस में तो आई होप के वो सही से हो रहा हो इंतजाम उसका यहाँ पे जो है बेसिकली आप किसी भी रिलीजन से हैं आप किसी भी कल्चर से हैं अपने आप को आराम से सुगन से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते जी नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है फूड फूड इन कनाडा जी हाँ यहाँ पर आप अपना फूड तो एंजॉय करते ही करते हैं जो आपका अपना होता है लेकिन आप मजे की बात यह है कि आप डिफरेंट कंट्रीज के फूड्स को भी यहाँ पर इंजॉय करते हैं विच मीन के जैसे आपको बताया कि मल्टी कल्चरल लोग यहाँ पर रहते हैं और अपना अपना फूड लेकर आए तो हम यहाँ पर अपने फूड के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कुछ जो है वो एंजॉय करते हैं और हमें भी पता चलता है कि उनका फूड कितना मजेदार कितना टेस्टी होता है तो ये भी एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन हलाल फूड यहाँ पर लाता है और हर जगह वो पोस्टेड होता है कि जी जब वो किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे पोस्टेड होगा कि हलाल वो बड़ा बड़ा साइन लगाया हुआ होता है उन्होंने हलाल का तो दिस इज ऑल गुड जी ये थे कुछ पॉइंटर्स जिसकी वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम इस कंट्री को अभी तो फिलहाल नहीं छोड़ेंगे उसकी बहुत सारी और भी वजुहत हैं देखें यहाँ पे टैक्सेस हैं यहाँ पे आप आ, का मॉर्गेज हाई है देखें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं जब हमने वो वीडियो बनाई थी कि हम ये छोड़

कमेंट्स करेंगे इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और उतना ही प्यार दें जितना आपने उस वीडियो को दिया था और इस पे भी बताएं कि अब आप ये सारा कुछ सुनने के बाद जो है वो क्या सोचते हैं क्या कहना चाहेंगे क्योंकि मुझे एक 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 एक्चुअली कमेंट ये भी आया था जब किसी लेडी ने लिखा था मैं भूल गया कौन थी वो उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अभी तक गए नहीं तो मैंने कहा चले जाएंगे इतनी जल्दी क्या है फिर उस बिचारी ने जो नेक्स्ट कॉमेंट किया था वो ये था की अगर आप लोग मूव कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि किस कंट्री में आप लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी सोच रहे हैं मूव करने का क्योंकि जितना मैंने देखा है की कुछ अरसे में लोग कैनेडा से मूव करे हैं मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले दस सालों में इतने लोग मूव मूव करे होंगे लेकिन आशा साहब यहाँ पे लोग बहुत सारा आने के लिए भी बैठे है बहुत सारे आने के लिए बैठे हैं अगर वीजा हम... मिल जाए और वो आ जाए। सीमा अगर तुम अभी तो अपना टिकटॉक खोल दो यहाँ पे <laughs> अभी सीमा अपना टिकटॉक खोल दे अपना इंस्टाग्राम खोल दे इवन मैंने भी अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत पोस्ट करने लगा हूँ आप यकीन करें कि सर कैसे आ सकते हैं वीजा कैसे मिल सकता है लोग यही पूछ रहे हैं बस चलें इसको अब ज्यादा लंबा नहीं करते बहुत सारा ख्याल रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव चीजें दुनिया में जिंदगी में किसी ने मुझे एक बात कही थी Uh, कि जब तक इस uh, जिसम में रूह है तब तक, तक तकलीफें हैं जी जाते जाते एक कोड याद आया था मैंने कहा वो भी शेयर कर दूं आपसे कि बडी इज जेलिस वॉट यू गॉड एंड नो बडी इज जेलसाउ यू गॉर एड तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर अल्लाह हाफि